कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित रामपुर में जमीनी खरीद व बिक्री के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने जिले के तत्कालीन अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यहां हम आपको बता दें कि बैकुंठपुर में पदस्थ रहते हुए अपर कलेक्टर ने जमीन संबंधी 33 प्रकरण एक दिन में ही निपटा दिए थे। शिकायत व जांच के बाद 22 प्रकरण पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी। गिरफ्तारी के इस मामले में जिला मुख्यालय ने भूमि खरीदी व बिक्री के प्रकरण में मां वैष्णव एसोसिएट्स को लाभ पहुंचाने का आरोप है। जानकारी अनुसार आरोप के चलते ही पुलिस ने सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है और बैकुंठपुर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी का मामला 2014 का बताया जा रहा है, जिसमें आदिवासी महिला की जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचने का कार्य किया गया था। माना जा रहा है कि इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहां हम आपको बता दें कि तत्कालीन अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा वर्ष 2012 से 28 अगस्त 2014 तक कोरिया में पदस्थ थे। प्रतिबंध है इस भू राजस्व संहिता के नियम का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन अपर कलेक्टर द्वारा उस भूमि के सौदे के लिए अनुमति प्रदान की गई थी और एक षड्यंत्र के तहत ये इस प्रकरण में जो मूल भूमि स्वामी है शांतिबाई जातिगोण, उनकी भूमि को अंतरित करवाया गया और उनके भूमि की कीमत उनको नहीं दी गई थी। तो विवेचना के दौरान सभी आरोपियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्य करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के हक की भूमि को हड़पने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें पूर्व में आरोपी संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। आज तत्कालीन अपर कलेक्टर श्री एडमंड लकड़ा को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।